बलाली गांव में खेल स्टेडियम और कुश्ती हॉल प्रोजेक्ट रद्द होने का राजनीतिक रंग सिरे चढ़ गया है। अब खेल विभाग द्वारा खेल प्रोजेक्ट के रद्द नहीं होने की सूचना पत्र को जारी किया गया है। साथ ही ये भी लिखा गया कि गलती से विभाग द्वारा खेल प्रोजेक्ट को रद्द करने का पत्र जारी किया गया था। वहीं अब विभाग ने पुराने पत्रों को दुरुस्त करते हुए सीएम घोषणा के अनुरूप प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने के आदेश जारी किए हैं। ये बलाली गांव में कुश्ती हाल जो मनाने जा रहा था, उस कुश्ती हाल को मुख्यालय द्वारा रद्द किया गया था। आज ही हमें मुख्यालय द्वारा एक लेटर मिला है, हम जल्दी से जल्दी उस लेटर के तहत ये कार्रवाई शुरू कर देंगे और खेल ग्राउंड की चार दीवारी और कुश्ती हॉल हम जल्दी जल्दी शुरू कर देंगे। पत्र में जो पहले रद्द किया गया था वो गलती से ऑर्डर हो गया, इधर आज जो पत्र हमें मिला है उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई निर्माण शुरू करने का आदेश दिए गए। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने साल 2016 में बलाली गांव में आधुनिक खेल स्टेडियम और एयर कंडीशनड कुश्ती हॉल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन कुछ दिन पहले खबर आई कि सरकार ने इस योजना से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और 2.25 करोड़ रुपए के बजट को रद्द कर दिया गया है। खेल प्रोजेक्ट रद्द होने पर यहाँ के खिलाड़ी काफी नाराज थे। फोगाट सिस्टर्स से लेकर पहलवान महावीर फोगाट ने भी अपनी नाराजगी सरकार के खिलाफ जाहिर की थी। वहीं बबीता ने ट्विटर के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा था और मुख्यमंत्री से खुद इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की थी। वहीं बबीता फोगाट द्वारा ट्वीट और विपक्ष द्वारा विरोध करने के बाद खेल मंत्री अनिल विज ने ट्विटर हैंडल पर स्पष्ट किया और कहा कि प्रोजेक्ट को रद्द नहीं किया गया है, यहां तक कि इसके लिए 30 लाख रुपए की पहली किश्त भी जारी की जा चुकी है। वहीं अब इस तमाम विवाद के बीच एक नया पत्र जारी किया गया है। सीएम घोषणा के मुताबिक ही स्टेडियम और कुश्ती हॉल प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने के इस पत्र में आदेश दिए गए हैं। हमारे गांव में जो सीएम साहब ने दादरी के अंदर रैली की थी सितंबर 2016 को, उसमें अनाउंसमेंट किया था बलाड़े गाँव में रेसलिंग हॉल और स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी और वो उसकी सैंक्शन हो चुकी थी, 30 लाख रुपए ग्रांट भी आ चुकी थी। हमें एक्शन साहब से और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से मिली थी भी आपका स्टेडियम अब रद्द हो चुका है, उससे गांव में भी काफ़ी मायूसी छाई और उप मीडिया में काफ़ी ये मामला छाया। उसके बाद हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने आज यहाँ बुलाए हैं और वो कह रहे हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। वो बता रहे हैं कि कोई गलती से रद्द हो गया था, ये उसकी वो जो कुछ गलती हो गई थी उसको हमने दुरुस्त करके आपकी ग्रांट दोबारा से जारी कर दिए हैं और हम जल्दी आपका कार्य शुरू करवा देंगे। सत्य खबर के लिए चरखी दादरी से विजय कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।